कि ये कैमरा शेक उन लोगों ने इंटेंशनली डाला होगा, क्योंकि उनको कुछ गलतियां छुपानी हो सकती है। लाइटिंग और टेक्सचरिंग के अलावा एक और चीज मैटर करती है जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एनिमेशन के रियलिज्म में। ऑडियंस का ध्यान कहाँ पे जाएगा, ऑडियंस का फोकस कहाँ पे होगा। VFX में हम अक्सर ये टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि मेरा वर्जन देखिए जिसमें मैंने डस्ट ऐड किया है। देखिए ये थोड़ा सा डस्ट ऐड करने की वजह से कितना इम्पैक्टफुल लगता है। ओनली गुड आर्टिस्ट कैन डू दिस। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे द राइज ऑफ हनुमान के टीजर को, उसके गुड पार्ट्स और बैड पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। मेनली हम इस टीजर के टेक्निकल साइड के बारे में बात करेंगे, उसके CGI के बारे में, उसके कंपोजिटिंग के बारे में, क्योंकि ये टीजर पूरा 100% कंप्यूटर जनरेटेड है। इसमें 100% CGI यूज हुआ है, कहीं पे भी कोई लाइव शूट नहीं है, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस टीजर को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसके CGI के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आखिर ये टीजर कहाँ पे लैग कर रहा है और कहाँ पे अपना बेस्ट दे रहा है, हम पूरे टीजर को डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। हेलो, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं RealFX। तो चलिए देखते हैं अपना पहला सीन। सो टीजर के शुरुआत में हमको बहुत ही अच्छा POV शॉट देखने मिलता है। टीजर के शुरुआत में जितने भी ओपनिंग शॉट है वो बहुत अच्छे हैं। जब तक टेंपल का इंटीरियर दिखाया जाता है तब तक सारे शॉट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा बाहर आता है तो उसका पहला ही शॉट मुझे उतना अपीलिंग नहीं लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं। सो सबसे पहला इशू, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द टाइम ऑफ द सीन। सुबह का सीन है या फिर दोपहर का, क्योंकि इसमें जो लाइट आ रही है बहुत ही ओवर एक्सपोज्ड है। इतनी ओवर एक्सपोज्ड लाइट हम दोपहर में ही देख सकते हैं, सुबह की लाइट इतनी ओवर एक्सपोज्ड नहीं होती है। और ये सीन वियर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि हनुमान पूरे अंडर एक्सपोज्ड है और सीन पूरा ओवर एक्सपोज्ड, जहाँ पे हनुमान बैठे हुए हैं वो एरिया पूरा ओवर एक्सपोज्ड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे हनुमान के कैरेक्टर को तो उस पर बहुत ही कम लाइट अब्सॉर्ब हो रही है, और उसके आसपास का फ्लोर देख लीजिए वो बहुत ही ओवर एक्सपोज्ड है। तो इस वजह से ये सीन लाइटिंग वाइज थोड़ा सा गलत लग रहा है। सो लाइट के ओवर एक्सपोज्ड होने की वजह से ये सीन दोपहर का लग रहा है, लेकिन जब हम ट्री के शेडोज पे ध्यान देते हैं तो वो शेडोज बहुत सॉफ्ट है। अगर दोपहर का सीन है तो वो शेडोज थोड़े से शार्प होने चाहिए थे। सो इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सीन दोपहर का है या सुबह का है। सो इस सीन में भी वही सारे सेम प्रॉब्लम्स है जो मैंने पिछले शॉट में डिस्कस किए, लेकिन इस सीन में मुझे एक और मेजर इशू दिखा। हनुमान के बैक में एक गेट है और उस गेट के पीछे एक ओवर एक्सपोज्ड एरिया दिख रहा है आपको, जहाँ पे स्काई है और कुछ ट्रीज है वो बहुत ही हेजी है और बहुत ही ओवर एक्सपोज्ड है वो एरिया। तो उस ओवर एक्सपोज्ड एरिया पे कुछ डिटेल्स डाल सकते थे वो, इतना हेजी और इतना ओवर एक्सपोज्ड सिनेमेटिकली अच्छा नहीं लगता। वहां पे वो माउंटेन्स डाल सकते थे और ट्रीज डाल सकते थे, बेसिकली उस एरिया में थोड़ी सी डिटेल्स इंक्रीज कर सकते थे, थोड़ा डायनेमिक रेंज बढ़ा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कुछ करके देखा, यहाँ पे माउंटेन्स ऐड किए और कुछ ट्रीज ऐड किए, तो उसकी वजह से ये सीन कितना इम्प्रूव हो गया, इसमें डायनामिक रेंज आ गई। जितना हम डायनामिक रेंज को इंक्रीज करेंगे शॉट उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही सिनेमैटिक लगेगा। और ये हनुमान के जितने भी शॉट्स हैं जहाँ पे हनुमान बैठे हुए हैं वो सारे शॉट्स बहुत ही ओवर एक्सपोज लग रहे हैं और वहाँ पे हनुमान बहुत अंडर एक्सपोज लग रहे हैं। लाइट इंटरेक्शन सेम होना चाहिए, ल्यूमिनेंस लेवल सेम होना चाहिए और हाइलाइट्स और ब्लैक्स वो मैच होने चाहिए, तो वो शॉट्स रियलिस्टिक लगता है। तो आइए चलते हैं अपने अगले शॉट पे। ये उसी लोकेशन का शॉट है जहाँ पे हनुमान बैठे हुए हैं, और इस शॉट में आप देखिए इस क्लॉथ को देखिए कितना रियलिस्टिक एनिमेशन है इसका, और इसका टेक्सचरिंग तो माइंड ब्लोइंग है। ऐसे शॉट अचीव करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है और बहुत हार्ड वर्क लगता है, और हर कोई इस तरीके के शॉट अचीव नहीं कर सकता। और इस शॉट के लिए मैं बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहूंगा इसके मेकर्स को, क्योंकि आप इस क्लॉथ के टेक्सचरिंग को देखिए कितना डिटेल में टेक्सचरिंग किया गया है इसका। कहीं पे रफनेस है, कहीं पे थोड़ी सी डार्कनेस है, कहीं पे थोड़ी हाइलाइट्स है, और थोड़ा सा डस्टीनेस भी डाला गया है, थोड़ा सा डर्ट डाला गया है, थोड़े से स्टेन डाले गए हैं। बहुत ही डिटेल में टेक्सचरिंग करा गया है इसका ताकि वो रियलिस्टिक लगे। लोग क्लॉथ के टेक्सचरिंग में यही गलती कर देते कि रफनेस नहीं डालते, क्योंकि ऐसी जगह पे क्लॉथ परफेक्ट नहीं हो सकता, सिमिलर कलर का नहीं हो सकता, सिमिलर शेड्स में नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों का उन्होंने ध्यान दिया है, इसलिए ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। और इस तरीके की टेक्सचरिंग करना इज ऑल्सो हार्ड थिंग, ओनली गुड आर्टिस्ट कैन डू दिस। ओके, टेक्सचरिंग के साथ इसका लाइटिंग भी बहुत परफेक्ट है, लेकिन इस शॉट में भी कुछ इश्यूज है जो मैंने नोटिस किए।
तो जब भी किसी सीन में लाइटिंग और टेक्सचरिंग परफेक्ट होती है, बहुत ही सही तरीके से होती है, तो इमेज बहुत ही अच्छा निकल के आता है। लाइटिंग और टेक्सचरिंग के अलावा एक और चीज़ मैटर करती है जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एनिमेशन के रियलिज्म में, और वो है एनिमेशन। अगर लाइटिंग और टेक्सचरिंग परफेक्ट भी होती इस सीन में, और अगर एनिमेशन अच्छा ना होता, इस क्लॉथ का एनिमेशन बिल्कुल भी सही नहीं होता, तो ये शॉट बहुत ही खराब लगता, बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता। और जिसने भी इस शॉट पे काम किया है बहुत ही स्मार्टली काम किया है, तो उनको पता था कि ऑडियंस का ध्यान कहाँ पे जाएगा, ऑडियंस का फोकस कहाँ पे होगा। VFX में हम अक्सर ये टेक्निक यूज करते हैं, हम उसी चीज पे ज्यादा काम करते हैं जिस पे ऑडियंस का ध्यान जाएगा, जो चीज फोकस में होगी, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या कैरेक्टर हो, हम उसी चीज पे ज्यादा वर्क करेंगे, उसको और रियलिस्टिक बनाएंगे, उसको और परफेक्ट बनाएंगे, ताकि ऑडियंस का ध्यान उस पे ही जाए। और ये सेम टेक्निक, ये सेम मेथड इसी शॉट में अप्लाई किया गया है। उन्होंने क्लॉथ पे अच्छे से काम किया है, उनको पता था कि ऑडियंस इसी पे ध्यान देगी, और क्लॉथ को इन लोग ने इतना परफेक्ट बना दिया कि बाकी चीजों पे काम करने का उनको शायद टाइम ना मिला होगा। इसलिए इसमें कुछ गलतियां भी हैं, जैसे कि इस हाथ को देखिए, ये हाथ आपको ऐसा लगेगा कि ये फोटोशॉप में बना के चिपका दिया है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, शायद उन्होंने अनरियल इंजन में ही बनाया होगा, बट उस पे शेडिंग या लाइटिंग अच्छे से नहीं कर पाए वो। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि रेंडर के टाइम कुछ एरर्स आ गए हो और उस हैंड के एरिया में कुछ ग्लिचेज आ रहे होंगे, रेंडर ग्लिचेज आ रहे होंगे। सो मैं गैस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ऐसा हो सकता है कि शायद उन्होंने वो हैंड सिंगल फ्रेम बना के लगाया हो वहाँ पे रेंडर इश्यूज की वजह से। उसका हैंड और उसका फीट दोनों ही लाइक बहुत ही वियर्ड लग रहे हैं इस सीन में, उनमें शेडिंग भी परफेक्ट नहीं है, लाइक अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ पे जैसी लाइटिंग आ रही है अच्छे से, वैसे उन हाथ पे और उसके पैर पे नहीं आ रही है। सो दैट इज लुकिंग वियर्ड इन दिस सीन। तो आइए चलते अपने अगले शॉट पे। तो ये हनुमान का जो क्लोजअप शॉट है जिसमें आईज दिख रही है सिर्फ, ये शॉट भी बहुत परफेक्ट है और बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल मुझे शॉट की शेडिंग बहुत अच्छी लगी, लाइटिंग बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से उन लोगों ने लाइट किया है सब्जेक्ट को बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन कुछ इश्यूज है, जैसे कि आईज में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बहुत ही वन पॉइंट लाइट वाला रिफ्लेक्शन लग रहा है, जबकि इसमें कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होना चाहिए था जो मैंने किया है। तो आईज के रिफ्लेक्शंस कुछ ऐसे दिखने चाहिए थे, तो आईज बहुत ही रियलिस्टिक लग सकती थी। आप ही इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कितना डिफरेंस है, क्योंकि हनुमान एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे रॉक्स है, बहुत सारे ट्रीज हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज हैं, तो रिफ्लेक्शन में वो सब दिखना चाहिए। रिफ्लेक्शन में उनका फ्रंट पार्ट दिखना चाहिए था जहाँ पे वो गेट है। सो आईज में मुझे रिफ्लेक्शन की कमी लगी, बाकी शॉट में मुझे और कोई इशू नहीं लगा। इस शॉट के आईज में अगर अच्छे से रिफ्लेक्शन डाल देते वो लोग, तो ये शॉट बहुत ही अमेजिंग लगता। तो मैंने आईज में रिफ्लेक्शन कैसे डाला, मैंने इनके ही इमेज का यूज करके आईज में रिफ्लेक्शन डाला है। जहाँ पे हनुमान बैठे हुए हैं उनके अपोजिट में जो सीन दिख रहा है, उस सीन का सिंगल फ्रेम लेके मैंने आईज में उसको रिफ्लेक्ट किया है और अच्छे से उसको ब्लेंड किया है, इसीलिए वो बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। तो चलते हैं अपने अगले शॉट पे। तो जैसे ही मैंने शॉट को देखा, ये शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, इस शॉट का फर्स्ट इंप्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही मैं डिटेल में देखना शुरू किया इस शॉट को, मुझे इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी। इन बर्ड्स को देख पा रहे होंगे आप, इन बर्ड्स के पंख तो चल रहे हैं, लेकिन ये बर्ड्स एक जगह पे क्यों रुके हुए हैं, इसका मुझे लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। आखिर वो बर्ड्स वहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, वो तो उड़ने चाहिए थे, आगे मूव करने चाहिए थे। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम हुई होगी उनको, मे बी उनको रेंडर में कोई इशू हुआ हो सकता है, या फिर कोई एंड टाइम पे कुछ टेक्निकल इशू उन लोगों ने फेस किया होगा। तो मैं उनकी सिचुएशन नहीं जानता, उनकी कंडीशन नहीं जानता, वो किस कंडीशन में काम कर रहे थे, बट हाँ मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा इस सीन में। एक और प्रॉब्लम है इन बर्ड्स के साथ। इस सीन में आप देख सकते हैं कि लाइटिंग कहाँ से आ रही है, लाइटिंग ऑब्वियसली पीछे से आ रही है, क्योंकि इतना बड़ा स्टैच्यू भी पूरा सिल्वेट है, पूरा ब्लैक है। इवन जो हनुमान अपने चल रहे हैं वो भी थोड़े से सिल्वेट दिख रहे हैं, थोड़े से ब्लैक दिख रहे हैं, क्योंकि लाइटिंग अपोजिट साइड से है। तो आप बर्ड्स को ध्यान से देखोगे तो बर्ड्स पे भी जो लाइटिंग आ रही है वो पीछे से आनी चाहिए थी, और वो बर्ड्स ब्लैक दिखने चाहिए थे। मे बी उनका ये विजन हो सकता है कि उन बर्ड्स को उनको व्हाइट दिखाना था, उनका व्हाइट कलर दिखाना था कि बर्ड्स आर व्हाइट। अगर बर्ड्स का कलर व्हाइट भी होता है तो वो सन के अगेंस्ट ब्लैक ही दिखेंगे, क्योंकि उन पे लाइट नहीं आ रही है। कि अगर वो बर्ड्स का एनिमेशन और कलर फिक्स कर देते तो ये शॉट टेक्निकली परफेक्ट लगता। बाकी ओवरऑल इस शॉट का फील मुझे बहुत अच्छा लगा, इस शॉट का जो लुक है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले शॉट के बारे में। जैसा कि हम इस शॉट में देख पा रहे हैं, एनर्जी का इतना इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत ही हाई फोर्स इम्पैक्ट है, लेकिन हमको
थोड़ा सा भी डस्ट उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे भी। डस्ट सिर्फ तब उड़ता है जब हनुमान एकदम फ्लाई करके ऊपर चले जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। थोड़ा सा डस्ट उस टाइम पे भी उड़ना चाहिए था जब वो एनर्जी इफेक्ट फॉर्म हो रहा है। जैसे कि मेरा वर्जन देखिए जिसमें मैंने डस्ट ऐड किया है, देखिए ये थोड़ा सा डस्ट ऐड करने की वजह से कितना इम्पैक्टफुल लगता है, कितना रियलिस्टिक लगता है। ऑब्वियसली ये बहुत ही लॉजिकल है कि इतना इम्पैक्ट आ रहा है तो डस्ट तो उड़ेगा ही। तो आइए चलते हैं अगले शॉट पे। सीरियसली मुझे इस टीजर का फ्लाइंग सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा जिसमें हनुमान उड़ के जा रहे हैं। इवन वो शॉट तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हनुमान क्लाउड्स के बीच में से उड़ के जा रहे होते हैं। और इस फ्लाइंग सीक्वेंस में जो हनुमान के क्लोजअप शॉट्स हैं वो शॉट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन इसमें एक इशू है जो बहुत ही खटक रहा है मुझे, और वो है उसका कैमरा शेक। ये कैमरा शेक कुछ ज्यादा ही डाल दिया उन लोगों ने। आपने बहुत सारी मूवीज में ऐसे शॉट्स देखे होंगे जिसमें सुपर हीरो या सुपर ह्यूमन ऐसे स्काई के बीच में से उड़ के जा रहा है, कि सो रियलिस्टिकली कैमरा नहीं हिलना चाहिए इतना। कैमरा क्यों हिलेगा, हिलेगा तो वो कैरेक्टर ना। भले कैमरा बहुत ही क्लोज है कैरेक्टर से, लेकिन इतना नहीं हिलना चाहिए। ये शॉट्स कुछ ज्यादा ही शेकी लगते हैं, और इतना शेकीनेस होने की वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है और बहुत डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट होता है, कैरेक्टर पे लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। कैमरा शेक में भी एक छोटी डिटेल होती है, वो शायद किसी को पता नहीं होगी। अब आप बोल रहे होगे कि भाई कैमरा शेक में क्या डिटेल होगी, मैं बताता हूँ। सो दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है एम्पलीट्यूड और एक होता है फ्लोट। सो फ्लोट बेसिकली क्या होता है, फ्लोट की वजह से कैमरा कितना ज्यादा फ्लोट होगा, कितना ज्यादा मूव होगा शेक में, वो डिसाइड करता है। और एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है उसका शेकीनेस, कितना कॉन्स्टेंटली जर्क होगा। सो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से शेकीनेस बढ़ती है और फ्लोट बढ़ाने से फ्लोटिंग बढ़ती है। बेसिकली कैमरा ज्यादा फ्लोट होता है, कैमरा ज्यादा डिस्टेंस में मूव होता है ऊपर नीचे, और शेकीनेस से बहुत ही कम डिस्टेंस में मूव होता है, एकदम लाइक जर्कीनेस। जैसा कि आप इस शॉट में देख पा रहे हैं कैसा कैमरा शेक है। ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो लोगों को नहीं पता होती है, और मे बी हो सकता है कि ये कैमरा शेक उन लोगों ने इंटेंशनली डाला होगा, क्योंकि उनको कुछ गलतियां छुपानी हो सकती है। क्योंकि जब भी हम कैमरा शेक ज्यादा डालते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि हमको कुछ छुपाना होता है, हमको कुछ चीट करना होता है। तो मे बी इन शॉर्ट में भी कुछ ऐसा हो सकता है जो उनको चीट करना था। सो चीट कैसे कर सकते हैं, तो चीट ऐसे होता है कि अगर कैमरा शेक बढ़ाएंगे तो मोशन ब्लर भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा कैमरा शेक होगा उतना ही ज्यादा मोशन ब्लर होगा, तो चीजें ऑटोमेटिकली छुप जाएंगी। सो दैट इज द स्मार्ट वे टू कंप्लीट द शॉट, मतलब शॉट बेचना है तो फटक से दिख जाता है। और अगर हम बात करें फ्लाइंग सीक्वेंस के ये शॉट की, जहाँ पे हनुमान क्लाउड्स के बीच में से उड़ के जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें क्लाउड इंटरेक्शन होना चाहिए था। वो बेसिकली क्लाउड को हनुमान से क्लोज रख के इंटरेक्शन दिखा सकते थे, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आई नो उसमें टाइम लगता है, उसमें बजट भी लगता है। वो क्लाउड इंटरेक्शन उनको हुडिनी में करना पड़ता, क्योंकि एफएक्स का जो भी जितना भी वर्क होता है वो हुडिनी में होता है, और इस तरीके के सिमुलेशन सिर्फ हुडिनी में ही किए जा सकते हैं। लेकिन मैं शॉट को फिक्स करने की कोशिश करूंगा क्लाउड इंटरेक्शन दिखा के, हुडिनी में पूरा क्लाउड्स क्रिएट करूंगा और उसमें इंटरेक्शन दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका रिक्रिएशन शॉट बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये शॉट करने में बहुत ही टाइम लगेगा। अगर आप बोलते हो तो ही करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। थोड़ा मैं इसके एडिटिंग पार्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा। एडिटिंग थोड़ी सी वीक लगी मुझे, जो इन लोगों ने म्यूजिक चूज किया है और जिस तरीके से म्यूजिक सिंक किया है टीजर के साथ, वो थोड़ा सा ऑफ लगता है मुझे, और ऐसा लगता है कि वो इस थीम के साथ नहीं जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जा रहा है। सो मुझे वो म्यूजिक वाइज थोड़ा सा एडिटिंग वाइज थोड़ा सा वीक लगा। मे बी वो शायद इम्प्रूव कर रहे होंगे उस पे। एडिटिंग वाइज थोड़ा और अच्छा हो जाता ना तो ये थोड़ा इम्पैक्टफुल लगता और बहुत अपीलिंग लगता शायद। फाइनली अब हम बात करेंगे इसके कॉमन इश्यूज के बारे में। सबसे पहला प्रॉब्लम है मोनोटोनस कलर ग्रेडिंग। अब मोनोटोनस क्या होता है भाई, मोनोटोनस ये होता है कि किसी भी सीन में या किसी भी शॉट में अगर सारे कलर्स सिमिलर लग रहे हैं, सेम थीम में जा रहे हैं, ऐसा फील होता है कि कोई फिल्टर डाल दिया ऊपर से, सो वो होता है मोनोटोनस। इन दिस शॉट यू कैन सी दैट द एवरीथिंग इज वेरी ऑरेंजिश, एवरीथिंग इज इन द वेरी वार्म टोन, लेकिन हर ऑब्जेक्ट का अपना कलर होता है और वो कलर दिख के आना चाहिए। सो इसमें प्रॉब्लम कलर ग्रेडिंग की है, वो कलर ग्रेडिंग अच्छे से नहीं की गई है। इवन आदि पुरुष में भी सेम प्रॉब्लम था। आदि पुरुष में तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे भाई, मैं क्या बात करूं। दूसरा प्रॉब्लम मैंने इस टीजर में नोटिस किया वो है बर्ड्स। जहाँ पे भी आप ब्लैक कलर के बर्ड्स देखते हो, जैसे कि इस हनुमान वाले सीन में जहाँ पे हनुमान बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारी जगह पे आपको ब्लैक कलर के बर्ड्स दिख जाएंगे, वहां पे आपको वो बर्ड्स ना बहुत ही वॉश्ड आउट लगते हैं। उनमें कोई डिटेल्स नहीं दिखती, ना उनका फेस दिखता है, ना उनकी चोंच दिखती है, ना उनके टेक्सचर्स दिखते हैं, उसमें कुछ डिटेल्स है ही नहीं। लाइक पूरा ब्लैक कलर का कॉन्स्टेंट लगता है वो, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अनरियल इंजन के पार्टिकल सिस्टम से ये बर्ड्स जनरेट किए हैं,
और उन बर्ड्स को उन लोगों ने सिर्फ एक ब्लैक कलर दे दिया और उसको सीन में डाल दिया। तो इस वजह से वो वॉश्ड आउट लग रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ डिटेल्स लोगों ने डाली ही नहीं है, तो वो दिखेंगी कहाँ? ऑब्वियसली वो लोग नहीं डाल सकते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होगा। ओके, मैं समझ सकता हूँ कि एक लो बजट प्रोजेक्ट है, लेकिन वो लोग बहुत सारे बर्ड्स के एसेट्स यूज कर सकते थे जो ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। फिर दूसरा बड़ा इशू मुझे इस पूरे टीजर में लगा, जहाँ पे भी इंटीरियर सीन में आपको फायर्स दिख रही है, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रही है, क्योंकि उनमें कोई कॉन्टेक्ट शो नहीं हो रहा है, कोई सोर्स नहीं दिख रहा है। जब भी कोई फायर निकलती है उसका एक सोर्स होता है कि हाँ, इस जगह से फायर निकल रही है। ठीक है, इस सीन में हम समझ पा रहे हैं कि इस मशाल में से ये फायर निकल रही है, लेकिन उसमें कॉन्टेक्ट नहीं है। जहां से फायर निकल रही होती है वहां पे एरिया वो ओवर एक्सपोज होता है फायर का। इसको कंपोजिटिंग में सिर्फ इतना ही करने की कोशिश थी कि इसका मास्क करके उस पे कैमरा ट्रैक लगा के उस एरिया को अच्छे से कलर ग्रेड कर देते और उसको ओवर एक्सपोज कर देते ताकि वो फायर रियलिस्टिक लगे। ओके, सो एक लास्ट प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अगर ये वीडियो बनाया ही है तो मैं बता देता हूँ। इट्स माई फीडबैक, ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ें करो, अगर आपके बजट में ये चीज़ें आ रही हैं तो करो, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है यार। अगर मैं भी होता तो मैं शायद नहीं करता, मेरे बजट में जितना है, मेरे टाइम में जितना है, मैं उतना ही करता। सो वो प्रॉब्लम है हनुमान का स्किन टेक्सचर। ठीक है, क्लोजअप शॉट में कहीं कहीं पे अच्छा लग रहा होता है थोड़ा बहुत, स्टिल वहाँ पे भी थोड़ा इश्यूज है। जो स्किन का एक टेक्सचर होता है उसमें छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है वो डिटेल्स नहीं है, और उन डिटेल्स की ना होने की वजह से वो टेक्सचर थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। जैसा कि मैंने आपको क्लॉथ के सिनेरियो में बताया था, वो क्लॉथ का टेक्सचर कितना अच्छा था, उसका लाइटिंग उसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। सो सेम उसी तरीके से अगर स्किन का टेक्सचर पे लोग अच्छे से काम करते हैं तो शायद स्किन भी उसकी बहुत अच्छी लगती, उसका फेस बहुत अच्छा लगता। इतना लो बजट प्रोजेक्ट है फिर भी उन लोगों ने बहुत अच्छा आउटपुट अचीव किया है, आई अप्रिशिएट दैट। और ये वीडियो सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, इट्स माय इनपुट, और मैं इस टीजर को कोई हेट नहीं दे रहा। टीजर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्राई किया इन लोगों ने, मतलब बहुत ही अच्छा आउटपुट दिया है। जिस लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं अनरियल इंजन पे, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमको ऐसे और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये देख के मैं बहुत खुश हुआ कि इस पे बहुत सारे व्यूज भी आ रहे हैं, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। इवन मैंने अभी एंड न्यू का भी कॉमेंट देखा वहां पे, उन लोगों ने भी इस टीजर को अप्रिशिएट किया। ये मेरा इनपुट है, और ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया था कि इसके क्रिएटर को कुछ हेल्प मिल पाए, मेरे फीडबैक से शायद वो कुछ इम्प्रूव कर पाए ताकि उसको लोग और अप्रिशिएट करें। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। इससे हमको और मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने में। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि और किस तरीके के वीडियो आप चाहते हो, और अगर आप प्रो VFX आर्टिस्ट बनना चाहते हो, प्रो VFX आर्टिस्ट की तरह काम करना चाहते हो, तो उस पर मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे क्रिएटिव।